गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेस बोटॉक्स ट्रीटमेंट। इसके पहले हमने किया था हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो बोटॉक्स होते हैं, लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट इसलिए करवाते हैं ताकि उनके फाइन लाइंस और रिंकल्स जो है वो रिड्यूस हो जाए, इसलिए वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो आज इसी बोटॉक्स ट्रीटमेंट को हम करने वाले हैं घर पे, बट ये होगा हमारा DIY बोटॉक्स ट्रीटमेंट, यानी कि होममेड फेस बोटॉक्स ट्रीटमेंट। तो इसमें भी आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स रिड्यूस तो होंगे ही, इसके साथ ही आपको एक अच्छा सा ग्लो भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट को करना है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसमें हम जो भी चीज़ यूज़ करने वाले हैं ये सब आपको घर पर आसानी से मिल जाएंगे और इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट के पैक को बनाना। तो इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है यहाँ पे एग। तो हमें इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट के जो हम पैक बना रहे हैं उसमें हमें एक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक इसमें मस्ट है, आपको लेना ही है एक। अगर आपको एग से एलर्जी है तो आप इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट को ना करें, क्योंकि इस पैक का जो सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट है वो है एग। तो यहाँ पे हम एक पूरा एग ले रहे हैं और इसका हम वाइट और येलो पार्ट दोनों यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एग लेने वाले हैं, तो एक मिक्सर जार में मैं इस एग को ले रही हूँ। तो आप इसे चाहें तो इसे किसी विस्कर के हेल्प से या फिर स्पून से भी कर सकते हैं अच्छे से मिक्स, बट मैं यहाँ पे एग डालने वाली हूँ इसमें, और इसमें हम डालने वाले हैं बनाना। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत बड़े साइज़ का बनाना है, तो यहाँ पे मैं हाफ बनाना लेने वाली हूँ, क्योंकि बनाना जो है वो अच्छे से मैश नहीं हो पाता है स्पून से। तो इन दोनों को हम एक साथ करेंगे मिक्सर में मिक्स, क्योंकि जो एग है बनाना है इसका हमें फ़ाइन सा पेस्ट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे मिक्सर की हेल्प से इन दोनों का अच्छा सा फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद मैं बताऊँगी आपको इसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो इस तरह से पहले दोनों को एक साथ डालेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा पेस्ट है बन के रेडी हो गया है, एक फ़ाइन सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब इस पेस्ट को हम निकाल लेंगे दूसरे बोल में। तो हमें यहाँ पे 5 से 6 टेबलस्पून जितना ही पेस्ट की ज़रूरत है, बाकी जो आपका पेस्ट बच गया है तो आप इसे अपने हेयर पे लगा सकते हैं। जो बच जाता है उसे मैं अपने हेयर पे लगा लेती हूँ, ये एज अ हेयर मास्क काफ़ी अच्छा वर्क करता है, बनाना और एक दोनों ही आपके हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं चावल का आटा। तो चावल का आटा मैं ऐड करने वाली हूँ 1 से 1.5 टीस्पून जितना ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि हमें जो इसकी कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा पतली नहीं चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून जितना ऐड कर दिया है चावल का आटा। इसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हनी। तो हनी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जितना। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप यहाँ पर 2 टीस्पून हनी ऐड कर दीजिएगा, और इन सबको आपको मिला लेना है अच्छे से। जो है हमारा जो पैक है ये बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है ना ही पतली है। अब जो इसका लगाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे फेस बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसका लगाने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फेस को अपने क्लीन कर लेना है, फेस पे किसी भी तरह का डर्ट ऑयल स्वेट नहीं होना चाहिए, अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें ज़रूरत होगी वो है टिश्यू पेपर की। तो हमें टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर को आपको काट लेना है पतले पतले स्ट्रिप्स में। मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से काट लिया है, ये अराउंड 3 इंच इतने चौड़े होंगे स्ट्रिप्स, मैंने ऐसे काट लिया है। काट के अब हम इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको फेस पैक को लेना है, फेस पैक को लेके आपको लगाना है अपने फेस पे। तो यहाँ पे मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से लगा सकते हैं, और आपको अपर डायरेक्शन में इस फेस पैक को लगाना है। तो आपको पूरे फेस पे अपने इस फेस पैक को लगाना है। तो एक जो है ये काफ़ी अच्छा क्लिंजर का काम करता है, ये डीप क्लीन करता है हमारे चेहरे को, फर्म बनाता है, यंगर लुकिंग देता है, इसमें प्रोटीन होता है जिसके वजह से हमारे चेहरे पे जो कोलेजन प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है और आपका चेहरा यंगर लगने लगता है। ये आपके पोर्स को टाइटन करने में हेल्प करता है, इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है,
यह आपके स्किन को क्लीन करता है, आपके स्किन के जो टेक्सचर होते हैं उन्हें एनहेंस करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे एग योक का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो एग योक जो होता है वो रिच होता है फैटी एसिड में, जिसके वजह से आपके चेहरे पे काफ़ी अच्छा सा ग्लो आता है। आपके चेहरे पे फाइन लाइंस और रिंकल्स जो भी होते हैं उन्हें ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर आपको डार्क स्पॉट्स है तो उन्हें भी ये लाइटन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरह से आपको पूरे चेहरे पे और नेक पे इसे अप्लाई कर लेना है। अब जब हमने फेस पैक लगा लिया है, इसके बाद आपको ये स्ट्रिप्स लेना है। आपको स्ट्रिप्स लेना है, स्ट्रिप्स लेके लगाना है आपको अपर डायरेक्शन में। आपको नीचे से इस तरह से आपको ऊपर करना है, जिस तरह से यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा है। आपको नीचे तरफ नहीं खींचना है अपने फेस को, अपने फेस को ऊपर तरफ पुल करना है, ताकि जो भी आपकी स्किन है ऊपर की तरफ पुल हो और आपके जो भी फाइन लाइन्स और रिंकल्स हो वो रिड्यूस हो। तो इस तरह से आपको अपने पूरे फेस पर करना है, और जहाँ जहाँ आप लगाते जाएंगे इसे, इसके ऊपर से आपको मास्क फिर से अप्लाई कर देना है, ताकि ये देर तक आपका जो मास्क है वो देर तक सूखे ना, देर तक ये इसी तरह से वेट रहे। तो आपको इस तरह से आपको पूरे चेहरे पे करना है अपने, और नेक पे भी करना है। यहाँ पे मैंने अपने पूरे फेस पे टिश्यू पेपर लगाया था, उसके ऊपर से मास्क को जो हमने बनाया था पैक उसे फिर से अप्लाई कर दिया है। इस वजह से ये जो हमारा पैक है देर तक वेट रहता, जल्दी सूखता नहीं है, और हमारे स्किन पे देर तक मॉइस्चर बना रहता है, जिसकी वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स जो है रिड्यूस होते हैं। अब इस पैक को लगा के आपको बैठना बिल्कुल भी नहीं है, आपको जाके सोना है, आपको लेट के रहना है, बिल्कुल भी बात नहीं करना है, कोई भी फेशियल मूवमेंट आपको नहीं करना है। आधे घंटे तक आपको लेट के इसी तरह से इसके साथ आपको रहना है। तो आधे घंटे के बाद अब हम यहाँ पे अपना ये जो टिश्यू पेपर हमने लगाया था इसे हम हटाएंगे। तो आप देख सकते हैं मास्क सूखा है, लेकिन बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो ड्राई होता है वैसा नहीं हुआ है। तो इस तरह से सारे टिश्यू पेपर को आपको हटा देना है। हटाने के बाद आपको अपने स्किन को हल्का सा रब करना है, जो इसमें चावल का आटा है वो अच्छा सा स्क्रब का काम करने वाला है। तो हल्के से आपको रब करते हुए इसे छुड़ाना है, और इसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से इसे वॉश करना है। कोई भी सोप नहीं लगाना है, फेस वॉश नहीं लगाना है, नॉर्मल वाटर से ही आपको वॉश करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाना मिलाया था। बनाना में होता है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, ये आपके स्कार्स को लाइटन करने में हेल्प करता है, आपके स्किन के टेक्सचर को एनहेंस करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से मैं स्क्रब करते हुए इसे वॉश करूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं फेस जो है काफ़ी ज़्यादा फर्म लग रही है। यहाँ पे आपको अच्छा सा ग्लो भी दिख रहा होगा फेस पे, क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें मिलाया था हनी। तो हनी जो है इसमें माइल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करके रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद हमने यहाँ पे मिलाया था चावल का आटा, तो ये भी हमारे स्किन को क्लीन करने में हेल्प करता है। इसमें होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, जिसकी वजह से ये आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये जो फेस मास्क है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, आप इसे वीक में एक बार करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो ही आप इसे दो बार करें। गाइस, ये जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट कोई भी कर सकता है। अगर आप टीनएजर्स हो तो भी आप इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट को ट्राई कर सकते हो, इससे आपके चेहरे पे एक अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। इसके साथ ही आप किसी भी स्किन कैटेगरी के अंडर आते हो, आप इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट को कर सकते हो। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, आप इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस है या फिर रिंकल्स हैं, तो आप इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट को वीक में दो बार जरूर ट्राई करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है, आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस जो है काफ़ी जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको अपने वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ये सब बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।